होटल राजमहल एपिसोड 15 लव ट्रायंगल। सेंट मेरी मेंटल हॉस्पिटल जयपुर। विशाल डॉक्टर विमल के बताए एड्रेस की तरफ निकल जाता है। मेंटल हॉस्पिटल पहुंचकर विशाल ने वहां के रिसेप्शन में खड़ी लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे शिखा गुप्ता से मिलना है, मैं उनके परिवार से हूं। विशाल की बात सुनकर लड़की ने हैरानी से तुरंत विशाल की तरफ देखा और बोली, क्या लेकिन उससे मिलने तो कभी कोई नहीं आता, आप पहले हैं जो आए हैं। विशाल रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और विशाल को मुस्कुराता देख उसके बाएं तरफ से बंसी ने कहा, तो ये कौन सा अपने मन से यहाँ मिलने आया है मैडम, अपनी जान की फिकर इसको यहाँ लेकर आई है। सर, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए और मेरे साथ आइए। उस रिसेप्शनिस्ट ने विशाल की तरफ विजिटर्स एंट्री का रजिस्टर देते हुए कहा। साइन करके विशाल उस रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर तरह तरह की आवाजें आ रही होती हैं। वहां लोगों की स्थिति देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वहां के लोगों को देखकर दाएं तरफ से बंसी ने कहा, मैं आत्मा बनकर बहुत खुश हूं भाई, कम से कम ऐसे जिंदगी से तो आत्मा ही सही। उसकी बात सुन बाएं तरफ से मुरली ने भी इधर उधर देखते हुए हां में सर हिलाते हुए कहा, सही कह रहा है भाई तू। तभी रिसेप्शनिस्ट एक कमरे के सामने रुक जाती है, रूम नंबर 404। उस छोटे से अंधेरे कमरे से धीरे धीरे किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही होती है। रिसेप्शनिस्ट ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए आवाज दी, शिखा देखो कोई तुमसे मिलने आया है। विशाल ने देखा कि एकदम मैले से कपड़े पहने एक लड़की दीवार की ओर मुंह किए दीवार पर कुछ लिख रही होती है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनकर वो लड़की जैसे ही पलटी तो विशाल ने देखा कि ये वही लड़की शिखा है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। बिखरे बाल, मैले कपड़े, चेहरा एकदम बेरंग सा नजर आ रहा होता है। शिखा ने पूरे कमरे की दीवारों पर मानसी का नाम लिख दिया होता है। विशाल को देखते ही शिखा ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन हो तुम, जाओ यहां से, मेरी मानसी कहां है, मेरी मानसी को लाओ। जिस पर विशाल ने कहा, शिखा मुझे मानसी ने ही भेजा है, मैं होटल राजमहल से आया हूं। होटल राजमहल का नाम सुनते ही जैसे शिखा को झटका लगता है और शिखा एकदम कोने में जाकर दीवार से चिपककर खड़ी हो जाती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, रूपल ने किया, मैंने नहीं मारा मानसी को, I love you मानसी। शिखा ने अपना सर नीचे किए हुए चिल्लाते हुए जवाब दिया। शिखा की बात सुनकर विशाल ने कहा, रूपल ने, लेकिन उस दिन तो तुम आई थी ना मानसी के साथ होटल राजमहल। विशाल के सवाल को सुनते ही शिखा ने चीखते हुए विशाल पर अटैक कर दिया और कहा, मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा अपनी मानसी को, मानसी को रूपल ने मारा है। और इतना बोलकर शिखा फिर से जाकर दीवार पर मानसी का नाम लिखने लगी। शिखा के अचानक हमला करने से विशाल शॉक्ड हो जाता है और तुरंत वहां से बाहर भाग जाता है। अरे वहां से भाग क्यों आए तुम, विशाल की दाएं तरफ बंसी ने विशाल से कहा, तो क्या उस पागल के हाथों मर जाता। विशाल के बाएं तरफ से मुरली ने जवाब दिया। विशाल उन दोनों की बातों को इग्नोर करता बस चले जा रहा होता है। उस समय विशाल के दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे होते हैं। तभी विशाल के दिमाग में मल्लिका की कही बात घूम जाती है, विशाल आंखों देखी हर चीज सच नहीं होती, कई बार सच कुछ और होता है, लेकिन हमें दिखता कुछ और ही है। और इस बात का ख्याल आते ही विशाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। रात के 11:30 बजे विशाल होटल राजमहल के अपने रिसेप्शन के सामने खड़ा होता है। थोड़ी ही देर बाद विशाल को किसी के आने की आहट होती है और विशाल
चौकन्ना होकर बैठ जाता है। विशाल ने देखा कि फिर से शिखा और मानसी हाथों में हाथ डाले विशाल की ही तरफ चली आ रही होती हैं। विशाल के करीब आते ही आज मानसी ने अचानक नजरें उठाकर एक पल के लिए विशाल को देखा। इस तरह मानसी के देखने से विशाल की अचानक कपकपी छूट जाती है और अपने कमरे की चाबी लेकर दोनों वहां से चली जाती हैं। उन दोनों के जाते ही विशाल भी तुरंत उनके पीछे पीछे चला जाता है। कमरे में घुसते ही वो लड़कियां एक दूसरे को हक करने लगी। मानसी एक एक कर शिखा के कपड़े उतारने लगी और दूसरी तरफ शिखा भी मानसी को बीच बीच में इधर उधर चूमते जाती। इन सब के बीच कमरे के दरवाजे में छुपकर खड़ा विशाल ये सब देख रहा होता है। विशाल को सामने का नजारा थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन सच्चाई पता लगाने के लिए काफी जरूरी है कि सब कुछ शुरू से देखा जाए। विशाल ने देखा कि थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे में लिपटी सो गई। तभी कमरे की खिड़की से एक दूसरी लड़की अंदर घुसती है। ये लड़की दिखने में मासूम लग रही होती है, लेकिन उसके हाथ में एक धारदार चाकू रहता है, जिससे उस लड़की ने बिना एक भी पल देर किए तुरंत एक ही वार में मानसी का गला काट दिया। इतना बेरहमी से मारने के बाद उस लड़की ने एक झलक मानसी को देखा और मुस्कुराती हुई खिड़की से भाग गई। ये सब देखकर विशाल को सारी बातें समझ में आ गई और वो तुरंत रिसेप्शन की तरफ भाग जाता है। रिसेप्शन पहुंचते ही विशाल के बाएं तरफ से मुरली ने कहा, अरे भाग क्यों आए विशाल? मुरली के सवाल के जवाब में विशाल कहता है, एक मिनट रुको, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तभी कुछ ही देर बाद एक जोरदार चीख पूरे होटल में गूंज गई और शिखा विशाल के सामने बड़बड़ाती हुई होटल से बाहर चली गई। शिखा के जाने के बाद विशाल को अचानक ठंड लगने लगती है और होटल में जोरों से हवा चलने लगती है, जिसके कारण वहां लगी सारी पेंटिंग्स एक एक कर जमीन पर गिरने लगती हैं। विशाल डरा हुआ इधर उधर चल रहा होता है कि तभी अचानक विशाल के सामने मानसी की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। मानसी के धड़ ने अपने एक हाथ में अपना सर पकड़ा हुआ है। मानसी के आंखों में जैसे खून उतर आया हो और पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो चुका होता है। मानसी के पूरे बाल बिखरे हुए हैं। मानसी को एकदम से अपने सामने देख विशाल चौंक कर दो कदम पीछे हो जाता है। मानसी विशाल की ओर अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए गुस्से से गुर्रा कर बोली, कहाँ है मेरा कातिल? लाओ तो मुझे। मानसी की बात सुनकर विशाल ने जवाब दिया, शिखा तुम्हारी कातिल नहीं है, वो निर्दोष है। शिखा तो खुद तुम्हारे मरने के दुख में पागल हो गई है और अभी मेंटल हॉस्पिटल में है। विशाल की बात सुनकर मानसी को जैसे झटका लगा और मानसी ने कहा, मेंटल हॉस्पिटल? विशाल ने हां में सर हिलाते हुए आगे कहा, लेकिन वो दूसरी लड़की रूपल है जिसने तुम्हारा मर्डर किया है। जिसे सुनकर मानसी को जैसे दोबारा झटका लगता है और एक पल की खामोशी के बाद मानसी ने कहा, रूपल? पर वो ऐसा क्यों करेगी? ये मुझे नहीं पता, लेकिन रूपल है कौन? विशाल ने मानसी की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे, जब मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ज्वाइन किया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड शिखा ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं और शिखा बचपन से ही एक साथ थे। तब हमारे कॉलेज में आई रूपल और जल्द ही वो भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हम तीनों हर पल मस्ती करते साथ रहते। मानसी ने विशाल को देखते हुए कहा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रूपल ने तुम्हारा मर्डर कर दिया? विशाल ने हैरानी से पूछा। विशाल का सवाल सुनकर मानसी ने एक पल रुककर जवाब देते हुए कहा, रूपल के बारे में बोला जाए ना विशाल, तो वो पूरी तरह ब्यूटी विद ब्रेन थी। सब चीजों में फर्स्ट आती थी।
कॉलेज के पीछे रूपल ने मुझे और शिखा को किस करते देख लिया और बस तब से वो हमसे दूरियां बनाने लगी। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन रूपल ने हमारी कोई भी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा हम दोनों को ही बुरा भला कहने लगी। रूपल का कहना था हम जो कर रहे हैं वो गलत है, समाज के नियमों के खिलाफ है। इतना कहते कहते मानसी की आंखें नम हो जाती हैं और मानसी सामने दीवार को एक टक देखते हुए कहती है, गुस्से में आकर रूपल ने हम दोनों को धमकी दी कि वो हर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में बता देगी। रूपल की बात सुन शिखा डिप्रेशन में आ गई और शिखा का मूड ठीक करने के लिए ही मैं यहाँ उसे लेकर आई थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि रूपल हमारे साथ ऐसा कुछ कर देगी। इतना कहते ही मानसी गुस्से में कांपने लगती है और चिल्लाते हुए विशाल से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दो दिन के अंदर रूपल को यहाँ होटल राजमहल लेकर आओ, रूपल को मार कर ही मुझे अब शांति मिलेगी। मानसी का भयानक रूप देखकर विशाल की बोलती बंद हो जाती है और विशाल के हां में सर हिलाते ही मानसी वहां से गायब हो जाती है। मानसी के जाते ही विशाल राहत की सांस लेते हुए अपने डेस्क पर बैठ जाता है और तभी विशाल को मानसी की आवाज सुनाई देती है जो पूरे होटल में गूंज जाती है, याद रखना विशाल, सिर्फ दो दिन। विशाल को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो रूपल का कैसे पता लगाए। तभी विशाल को मानसी की बात याद आती है, रूपल हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। विशाल समझ गया कि रूपल के बारे में इंफॉर्मेशन विशाल को कहां से मिलेगी। विशाल तुरंत नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एड्रेस निकालता है और उसे नोट कर ही रहा होता है कि विशाल को लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जलने की बदबू पूरे होटल में फैलने लगती है। वो आग की लपटें इतनी तेज होती हैं कि लगता है एक ही बार में सब कुछ निकल जाएगी। घर पहुंचते ही विशाल तुरंत सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है कॉलेज की तरफ। शहर के बाहर एक बड़ी सी बिल्डिंग चारों तरफ पेड़ों से घिरी, जहां बड़े से बोर्ड में लिखा हुआ है नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। विशाल सीधा कॉलेज के हेल्प डिपार्टमेंट में जाता है और रूपल के बारे में पूछता है। वहां से रूपल के घर का एड्रेस लेकर रूपल के घर की तरफ निकल जाता है। बताए हुए एड्रेस में जाकर विशाल को रूपल के घर के बाहर एक औरत खड़ी हुई दिखती है। उन्हें देखकर विशाल बोलता है, हेलो आंटी जी, क्या आप रूपल की मम्मी है? हेलो बेटा, हाँ मैं ही रूपल की मम्मी हूं, कहो क्या हुआ? अनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विशाल ने अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा, मैं विशाल, रूपल के कॉलेज का दोस्त, बाहर रहता हूं, आज ही जयपुर आया तो सोचा रूपल से मिल लूं। माफ करना बेटा, पर वो अभी दिल्ली में रहती है, अनीता ने कहा। अनीता की बात सुनकर विशाल उदास हो जाता है और बोलता है, ओहो कोई बात नहीं, क्या मुझे रूपल का नंबर मिल सकता है आंटी? हाँ बेटा बिल्कुल, अनीता ने तुरंत कहा। ये सुनकर विशाल बहुत खुश हो गया, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए विशाल ने कहा, पर आंटी जी आप प्लीज रूपल को मत बताना, वो एक्चुअली मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं। अनीता विशाल को नंबर देते हुए बोली, ठीक है। रूपल के घर से जाते ही विशाल ने तुरंत अनीता के दिए हुए नंबर पर कॉल किया और घंटी जाते ही दूसरी तरफ से विशाल को एक आवाज आती है, हेलो। रूपल की आवाज सुनकर विशाल को इतनी खुशी मिलती है जितनी शायद विशाल को खुद की आवाज सुनकर नहीं मिली। हेलो रूपल, मैं होटल राजमहल से बात कर रहा हूं, विशाल ने अपनी आवाज गहरी करते हुए कहा। होटल राजमहल का नाम सुनते ही रूपल के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और रूपल ने हकलाते हुए जवाब दिया,
मैं नहीं जानती कोई इस नाम के होटल को। रूपल की बात सुनकर विशाल ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ मत बोलो रूपल, तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हैं होटल राजमहल में। मैं जानता हूँ कि तुमने ही मानसी का कत्ल किया है, और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती तो आज रात 11:30 बजे तक होटल राजमहल आ जाना। रूपल कुछ कह पाए उससे पहले ही विशाल ने इतना कहकर फोन काट दिया। होटल राजमहल में फैली शांति किसी आने वाले खतरे के बारे में इशारा कर रही होती है, और अपने डेस्क पर खड़ा विशाल रूपल के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी विशाल को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई ठंडी हवा का झोंका विशाल को छू कर निकला हो। इतने में ही विशाल की नजर एक कमरे में गई जहां से दो आंखें विशाल की तरफ ही देख रही होती हैं। हिम्मत करके विशाल उस कमरे की तरफ जाने के लिए अपने कदम उठाता ही है कि तभी विशाल को किसी के कदमों की आहट होती है। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और होंठ तो इतने लाल मानो उसमें खून उतर आया हो। इतनी खूबसूरत लड़की को देख विशाल ने खुद को मुश्किल से संभाला और उस लड़की की तरफ चला गया। तुमने ही मुझे कॉल किया था ना यहां आने को बोलकर, रूपल ने डर से कांपती आवाज में कहा। विशाल कुछ बोल पाए उससे पहले ही विशाल के पीछे से आवाज आई, विशाल ने नहीं, तेरी मौत यहां तुझे लेकर आई है रूपल। रूपल तभी पलटकर उस ओर देखती है और वहां मानसी अपने हाथ में अपना कटा हुआ सर लिए खड़ी है। मानसी को ऐसा देखकर रूपल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मानसी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जोरों से चिल्ला उठती है, तो उससे ज्यादा बढ़कर मारा था तुम्हें मैंने और सिखाने, लेकिन तुमने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। तुम्हारे कारण मेरी शिखा आज पागल खाने में है, और मेरा तो तुमने मर्डर ही कर दिया। इतना कहकर मानसी ने बिना एक भी पल गवाए रूपल को जोरों से हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। रूपल के नाक से खून निकलने लगता है और रूपल मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज, मुझे माफ कर दो मानसी, रूपल ने रोते हुए कहा। तभी गुस्से में चिल्लाते हुए मानसी पूछती है, आखिर क्यों मारा तुमने मुझे? रूपल ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि मैं शिखा से प्यार करती थी और तुम हम दोनों के बीच आ गई थी। मैंने कितनी कोशिश की थी शिखा को तुमसे दूर करने की, लेकिन मेरी शिखा तुम्हारे प्यार में पागल थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बीच की वजह को ही खत्म कर दूं तो शिखा खुद ही मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि शिखा अपना मानसिक संतुलन खो देगी और पागल खाने चली जाएगी। फिर जहां मेरे घर वालों ने कहा मैंने वहां शादी कर ली। रूपल की बात सुन मानसी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता रूपल, आज तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इतना कहते ही मानसी विशाल के शरीर के अंदर चली जाती है, और देखते ही देखते विशाल की आंखों का रंग बदल जाता है, और तभी उसके हाथों में एक तेज धारदार वाला बड़ा चाकू आ जाता है और वो एक झटके में रूपल का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी मानसी विशाल के शरीर से निकलती है और विशाल को बहुत जोर का झटका लगता है। तभी विशाल अपने हाथ में बड़ा सा चाकू देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे नीचे जमीन पर गिरा देता है। रूपल को मरा हुआ देख मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर आंसू पोंछते हुए मानसी ने विशाल से कहा, थैंक यू विशाल, तुम नहीं होते तो मैं हमेशा यहीं कैद रहती। इतना कहकर मानसी वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाती है। मानसी के गायब होते ही विशाल एक नजर रूपल को देख ही रहा होता है कि तभी विशाल को अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है, बधाई हो विशाल,
अब बची सिर्फ 117 आत्माएं। तो आगे क्या होगा? अब कौन सी आत्मा आने वाली है जिसको विशाल मुक्त करवाएगा?